सभी भाइयों को जय श्री राम। तो भाइयों, जैसा कि आप इस फोटो में इस बंदे को देख रहे हो, इस बंदे के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि ये बंदा क्या करता है, क्या काम करता है, मतलब कहाँ का रहने वाला है और क्या इसका सीन है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप उससे कैसे बच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस फोटो में इस बंदे को देख रहे हो, इस बंदे का नाम है सनी मोदनवाल और दोस्तों ये यूपी प्रतापगढ़ में रहता है। और दोस्तों का जो एड्रेस है, एड्रेस दोस्तों ये है कि मीरा भवन के यहाँ पे गोकुल लॉन है, उसके सामने वाली गली है, दूसरा नंबर का इसका घर है। और दोस्तों, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हो, इस बंदे की ये शॉप है, ये साउंड का काम करता है। इसकी ये शॉप का नाम है SKB साउंड मैन्युफैक्चरिंग है। और दोस्तों, ये इसका ये साउंड का जो बहुत बड़ा व्यापारी है, व्यापारी के साथ साथ दोस्तों ये कुछ अलग से इसका सीन है, वो हम दोस्तों से हम वीडियो बताएंगे। दोस्तों को साउंड का काम है, यानी कि ये कैबिनेट वगैरह बनाता है और साउंड बजाता भी है। तो दोस्तों, इसका इस साउंड का काम है। दोस्तों, सीन की बात करें कि बंदा करता क्या है रियल में, जैसे कि साउंड का व्यापारी है, उसके साथ ही साथ दोस्तों ये लोगों के साथ क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी भाई इसके यहाँ पे गया या फिर फ़ोन से बात हुई कि भैया हमें ऐसे ऐसे सामान चाहिए, मिल जाएगा, तो ये बंदा बोलता है कि हाँ मिल जाएगा, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फिर क्या है दोस्तों कि कोई भी बंदा फ़ोन से या इसके यहाँ पे ऑर्डर देता है, ऑर्डर के साथ कुछ एडवांस भी देता है कि भैया मेरा जो सामान है आप मेरे को पहुँचा देना। तो ये बंदा बोलता है ठीक है, मैं आपका जो सामान है पहुँचवा दूँगा। तो डेट आ जाती है, पर ये जो बंदा है वो सामान नहीं पहुँचाता है उनके यहाँ पे। दोस्तों, जिस तारीख को बोलता है कि मैं सामान भिजवा दूँगा, तो उस तारीख को ये सामान नहीं भिजवाता है। तो वो बंदा इसको कॉल करता है कि भैया हमारा सामान क्यों नहीं आया। वो बोलता है कि भैया अरे यार वो लड़का भी है नहीं है, मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा। तो ऐसे ही ये क्या है, 1 से 2 मंथ लगा लेता है। उसके बाद दोस्तों करता क्या है कि सामने वाले का कॉल नहीं उठाता, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, मैसेज करता है। और दोस्तों, मेरे पास उसका स्क्रीन शॉट भी है, वो मैं आपको शेयर कर देते हैं। तो क्या है, ये कॉल नहीं उठाता, उसको मतलब ये है कि उसका नंबर ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि मेरे पास हमारा नहीं उठना है, जाओ कर लो, मैं मेरा तुम कुछ नहीं करते। तो कुछ ऐसा सीन है। और दोस्तों, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ये कर चुका है। और दोस्तों, अगर प्रतापगढ़ में अगर जाओगे, पूछोगे SKB साउंड मैन्युफैक्चरिंग का ओनर कौन है, तो वो बताएंगे वो बंदा जो 1 नंबर का फर्जी है, फ्रॉड है। और दोस्तों, अगर आप पुलिस कोतवाली में या कहीं भी इसका रिपोर्ट डालते हो, तो कोतवाली में भी इसके काफ़ी सारे केस फाइल डले हुए हैं, यानी कि दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो बहुत ही ख़राब है। और दोस्तों, कोई भी यहाँ कोई भी इसके यहाँ पे जाता है कि भैया मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, तो ये क्या करता है, सामने वाले को बेवकूफ़ बना देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर हूँ। और दोस्तों, ये घर में ही रहता है, मतलब कोई भी इसको बता के जाता है कि भैया मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा जो पैसा है मेरे को दे देना या मेरा सामान दे देना, इसको कोई बता के जाता है तो ये दोस्तों क्या गायब हो जाता है। और मुझे तो लगता है दोस्तों ये घर पर ही बैठा होता है, बोल देता है कि और स्टेटस डाल देता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं जाता है। सीधा सा सिद्धांत है इसका कि सामने वाले का पैसा खा जाता है, सामने वाले का जो सामान है वो सामान देता नहीं है। कोई भी इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट डालता है तो दोस्तों प्रतापगढ़ में इसके खिलाफ़ काफ़ी सारे केस फाइल हुए हैं, पता नहीं, पर दोस्तों पता नहीं पुलिस वालों ने इसके इसके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की है। वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इसका सीन है, फ्रॉड है बंदा, इसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों बहुत ही ख़राब है। जितने भी साउंड वाले हैं प्रतापगढ़ में, वो भी इसके बारे में बता रहे थे कि ये जो बंदा है बहुत बेकार है, सामने वाले का पैसा खा जाता है। और दोस्तों, कभी कभी ये क्या करता है, सामने वाला कोई DA सेटअप बुक करने आता है, उसका ही पैसा ही खा जाता है। दोस्तों, टोटली ये बंदा जो है दोस्तों 420 है। तो मेरा जो वीडियो दोस्तों, कोई प्रतापगढ़ प्रयागराज या कहीं से भी देख रहा है, और तो कोई भी नया वो सामान लेना चाहता है तो इस बंदे से तो ना लें बिल्कुल ही। ये बंदा जो दोस्तों सामने वाले का पैसा ब्लॉक कर देता है, मेरी नज़र में दोस्तों ये बंदा जो 1 नंबर का फर्जी है। और दोस्तों, मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट भी हैं जो कि इसके मैसेज वगैरह डले हुए हैं, यानी कि इसको मैसेज किए किसी ने कि भैया मेरा जो पैसा है वो दे दो, कॉल भी किए हैं और इसके ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट डाली है, यानी कि दोस्तों मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दे दूँगा, इसमें स्क्रीन शॉट भी डालूँगा इसका, इसके खिलाफ़ भी रिपोर्ट भी किसी ने डाला है अभी 2-3 दिन पहले। तो मैं सभी ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसा कोई बंदे से आपको सामान ले रहे हो तो बिल्कुल भी ना लें, कि दोस्तों पैसा आपका है, बहुत मेहनत से कमाते हो, और ऐसे कुछ नीच जो लोग हैं पैसा खा जाते हैं। और मोस्ट दोस्तों, ऐसा लगता है कि इसका जो घर का खर्चा वगैरह है वो शायद ऐसा ही चल रहा है, दूसरों का पैसा खा के, क्योंकि दोस्तों दूसरों का जो पैसा खाता है वो कभी खुश नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरों के साथ जो ऐसा करते हैं वैसे कभी खुश नहीं रहते हैं। और दोस्तों, ये साउंड का काम एक ऐसा है जहाँ पर भरोसे के दम पर ये सारा काम चलता है। अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो फिर
दोस्तों मुझे नहीं लगता किसानों का काम करना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ तो दोस्तों कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि भैया ये ऐसा ऐसा बंदा है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि नहीं बनाना चाहिए वीडियो, तो दोस्तों मुझे लगा कि वीडियो बना ही दूँ। तो दोस्तों ये मैंने दोस्तों इसका यही सीन है क्या है कि सामने वाले का पैसा रख लेता है, सामान मांगो तो सामान नहीं देता, इसके यहाँ पर जाओ तो बोल देता है कि मैं अभी यहाँ हूँ वहाँ हूँ, अभी मेरे घर पे मत आना, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे वाइफ की तबीयत ख़राब है, लड़की की तबीयत ख़राब है, ऐसा वैसा करके दोस्तों सामने वाले का जो पैसा है वो खा जाता है। और दोस्तों इसकी कुछ मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग शेयर की थी, तो उस रिकॉर्डिंग में इसने ऐसे कुछ वर्ड बोले वो आपको मैं नहीं सुना सकता। और दोस्तों अगर मैं वो रिकॉर्डिंग डालता हूँ तो हो सकता है ये यूट्यूब वाले हैं जो इस वीडियो को हटा दे, तो वो मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता। उसमें कुछ ऐसा वर्ड का यूज़ किया गया है तो दोस्तों आप सुन नहीं सकते, ठीक है। दोस्तों क्या है कि आज के टाइम में क्या है कि भरोसा लोगों से उठ चुका है, अगर लोग ही ऐसा करेंगे तो सामने वाला कैसे भरोसा कर लेगा सामने वाले का। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता अगर आप ऐसा किसी से सामान ऑर्डर कर रहे हो तो दोस्तों उसके बारे में पहले जान लें कि क्या वो बंदा ऐसा सही है या नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पैसा आपकी मेहनत का है, आपने मेहनत करके कमाया है, और ऐसा बंदा जो आपका जो पैसा खा जाए, आपकी मेहनत का छीन के चला जाए, तो मुझे दोस्तों वो बहुत ही जो बंदा है वो बहुत ही नीच लगता है दोस्तों, ठीक है। जो बंदा अपनी फैमिली की कसम खा रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये इस बंदे का सीन जो कि दोस्तों मैंने आपको पूरा बताया क्या है क्या नहीं, आगे आप समझदार हो कि आपको करना क्या है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑनलाइन डिजी शॉपिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा ऐसा कुछ चल गया है कि आप अपने घर बैठे डीजे का सामान या डीजे मंगा सकते हो। तो दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, आपको पता है कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। दोस्तों देखा होगा कि आपने यूट्यूब पर वीडियो डले हैं काफ़ी सारे कि आप आइए हमारे पास, अगर आप आ नहीं सकते तो ऐसा पैसा डाल दीजिए, आप अपना डीजे सेटअप ले जा सकते हैं, ऐसा वैसा आपने देखा होगा दोस्तों। दोस्तों अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन डीजे का कोई भी सामान या ऑनलाइन डीजे सेटअप खरीद रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोस्तों आपको शॉप के बारे में जानना है कि उस दुकान वाले से कितने लोगों ने सामान लिया है, और उन लोगों ने सामान लिया तो उनसे पूछिए कि भैया आपने अगर ऐसा सामान लिया है तो कैसा आपको दिया है, क्या आपको मिल गया कि नहीं मिला है। अगर आपने उसके रिव्यू नहीं पढ़े तो रिव्यू पढ़िए, लोगों का रिव्यू जानिए कैसा क्या है, तो सबको उसमें रियलिटी पता पड़ेगी। और दोस्तों करते क्या है कुछ लोग के यूट्यूब पर वीडियो देखा और उनका नंबर लिया, व्हाट्सअप किया, भैया हमें ऐसे सामान चाहिए, आपने पेमेंट डाला और पता पड़े दोस्तों आपका जो सामान है वो आपका सामान भी नहीं पहुंचा और आपके पैसे चले गए। दोस्तों काफ़ी ऑनलाइन भी फ्रॉड हो रहा है, तो मैं सभी भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका घर दूर है थोड़ा सा, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा अगर आपका घर दूर है तो भले ही 2 से 3 दिन आपके चले जाएँ पर आपका जो सामान है दोस्तों आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे बैठे अगर ऐसे किसी से सामान मंगाते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो हो सकता है दोस्तों कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। तो दोस्तों वो मैं नहीं चाहता, मैं सभी शॉप वालों की बात नहीं कर रहा है, पर कुछ शॉप वाले ऐसे हैं कि वो सामने वाले को ऐसा बताते कि हमारे पास ये है वो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोस्तों होता है लूटने वाला काम होता है कि सामने वाला पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, बोल देता है कि भैया मेरे को इस डेट को सामान चाहिए, पर सामने वाला क्या करता है कि वो उस डेट को सामान नहीं भेजता है, नंबर कर देता है ब्लॉक, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपका उस शॉप से घर काफ़ी दूर है तो भले ही 2 से 3 दिन लग जाए पर उस शॉप पर जाके आप सामान लीजिए, आप घर बैठे बैठे से कोई भी सामान ऑर्डर ना करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि देखो आप ऑर्डर तो कर दोगे पर उसको चेक थोड़ी कर पाओगे, आपने ऑर्डर कर दिया आपके घर पे वो सामान आ गया, फिर आपने बोला अगर भैया ये सामान तो ऐसा, तो वो यही बोलेगा कि मेरी इसमें थोड़ी कोई गारंटी, आपने तो ऑर्डर किया था। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया आप कोई भी सामान ले रहे हो तो पहली बात तो ऐसे पैसे ना डालें, उसके बारे में जाने कि भैया वो दुकान वाला कैसा है क्या है। अगर आप अपने घर से जा सकते हो तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अपने घर से जाकर उस शॉप से सामान लो। वैसे यूट्यूब पर काफ़ी सारा ऐसा चले गया है कि लोग पैसे लेकर वीडियो बना रहे हैं, मैं उन भाइयों की बात नहीं कर रहा जो सही काम कर रहे हैं, उन भाइयों की काम कर रहा हूँ कि जिनका कुछ चल ही नहीं है तो लोगों से क्या कि पैसा ले लेते हैं, उनका वीडियो डालते हैं, और कुछ भाई लोग क्या फंस जाते हैं उनकी बातों में। तो मैंने सोचा था दोस्तों इस पर वीडियो बनाना चाहिए, पर उसको काफ़ी टाइम हो गया, पर काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा सीन भी चल रहा है, तो मुझे लगा आज वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाया, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो पैसा आपकी मेहनत का है, ऐसे आप किसी को खिलाओ मत, ठीक है। आपका जो भी जो सामान लेना है आपकी शॉप पर जाके लो। हाँ, घर से दूर है आपकी वो शॉप, तो अब जैसे भी भाई ने शॉप से सामान लिया है तो उस भाई से पहले बोलो कि भाई आपको जो सामान लिया था वो आपको मिल गया था कि नहीं, तो वही आपको भाई बता सकता है कि उसका शॉप का कैसा क्या माल है, कैसा क्या रिव्यू है। क्यों दोस्तों, आपने यूट्यूब पर काफ़ी बार देखा होगा कि आइए हमारे पास ऐसा नीला पीला स्पीकर ले जाइए, ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, अपने घर से बैठ के ऑर्डर कर सकते हो, आप घर पर पहुँच जाएगा, आपके घर के कमरे में पहुँच जाएगा, ऐसा आपने वीडियो देखा होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता दोस्तों, काफ़ी कम लोग हैं जो सामने पहुँचा देंगे, पर ऐसे कुछ भी दोस्तों ऐसे काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि पैसा रख लेते हैं, सामान नहीं पहुँचाते, हम कॉल लगा लगा के थक जाते हैं, सामने वाला कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है और हमारा पैसा हो जाता है ब्लॉक। दोस्तों किसी भी शॉप से अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो सबसे पहले उस बंदे से बात ये कि कीजिए उस बंदे ने जिस शॉप से सामान ऑर्डर किया है और उसको मिल गया है। अगर आपने किसी से पूछा नहीं है और आपने सामान ऑर्डर कर दिया है तो उससे हो सकता है कि 100% आपके साथ फ्रॉड हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए कि क्या क्या सीन है इसका, क्या नहीं है। दोस्तों मेरे जैसे वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का उद्देश्य था कि आपका जो पैसा है वो आपकी मेहनत का पैसा है, आपको ऐसे किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है जब तक आपका सामान ना आ जाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करना ताकि और लोगों को पता पड़े, ठीक है। डिसलाइक वही करेंगे जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और लाइक वही करेंगे दोस्तों जो मेहनत से कमा रहे हैं, अपना घर का खर्चा वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दोस्तों कोई भी डर नहीं लगता है, कुछ भी कोई भी बोले, मेरे मन में जो था, मेरे भाई लोगों ने जो बोला था मैंने उस वीडियो बना दिया है। कोई भी कुछ भी करता रहे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ, और किसी को ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो वो उसका काम जाने वो जाने, मेरे को जो गलत लगेगा उसके मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट।